नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रनिंग। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आज से 17 जुलाई और टाइम हो रहा दिन के 12 बज रहे हैं। अब मार्केट लाइव ऑफ है इस टाइम पे। तो एक और शेयर आपको बता रहा हूँ, जो पैनी शेयर है, इसमें आप बाय करके होल्ड करके पैसेंस रहते हैं तो शायद आपको मल्टीबैगर बनने को तैयार है शेयर भी, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया कौन सा शेयर है। तो ये है आकाश ऑप्टिक फाइबर लिमिटेड, ठीक है। आपको पता है कि कोविड के बाद से ही जो टेलीकॉम के, यानी जो इंटरनेट को ब्रॉडबैंड यानी जो सर्विस कनेक्ट करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डे बाय डे ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड बढ़ रही है। आप भी देखते होंगे, पहले आपका कैट फाइव पे होता था आपका ब्रॉडबैंड, मगर आज आपके पास आपको ऑप्टिकल फाइबर वाला ब्रॉडबैंड चाहिए। तो ऑप्टिकल की जो केबल्स हैं उनकी डिमांड डे बाई डे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा 2G 4G 3G 5G, जैसे जैसे हमारे जी बढ़ेंगे, यानी जैसे जैसे हमारे टेलीकॉम की सर्विस बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑप्टिकल की डिमांड और बढ़ेगी। तो ये मैन्युफैक्चर करती है ऑप्टिकल फाइबर को, ठीक है। ये देखिए, तो ये कब से कंपनी है, कंपनी 1986 से रनिंग में है, इंडिया से है, ठीक है। अभी देख लें ओवरव्यू, समझते हैं कि आकाश ऑप्टिक फाइबर का क्या है। तो ये यस्ट फ्राइडे को 12 रुपये 10 पैसे ओपन होता है, 12 रुपये 40 10 पैसे हाई मारता है, 12 रुपये 10 पैसे का लो मारता है, ठीक है। तो इसका 52 हाई है 13 रुपये 85 पैसे और 52 लो है 4 रुपये 20 पैसे। अब समझते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी का देखो ओवरव्यू है, कंपनी का वर्किंग क्या है। कंपनी वर्किंग है ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी रनिंग है इंडिया से ही है, ठीक है। तो कंपनी ट्रस्टवर्दी है कंपनी। अब इसका मैक्स पे देखते हैं लाइफ टाइम कितना है। अभी ये लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई लो चल रहा है, ये 80.55% के लो पर इस टाइम पे ये। अभी देखते हैं कि भाई अपन ने 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया इसने। इसने देखिए 1 मंथ के अंदर 0.83 रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के अंदर देखिए इसने 65% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इसने 58% यार्ड, यानी 56% दे चुका है, यानी पिछले एक साल के अंदर ये 56% रिटर्न दे चुका है। और अभी भी क्या इसमें अप बाइंग है या नहीं ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको NSE के साइड पर दिखाता हूँ। देखिए डे बाय डे ये कितना प्रॉफिट में आ रही है ईयर, यानी कि इस बार भी प्रॉफिट में आई है, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। कंपनी का मैं आपको दिखाता हूँ, हम स्कैनर के साइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम कंपनी को समझते हैं क्या है। देखिए कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डिबेट, यानी कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है डे बाय डे, यानी कि हर क्वार्टर पर अपना कर्जा कम कर रही है कंपनी। सबसे अच्छा पॉइंट कंपनी के अंदर यही होता है। और देखिए जब भी हम कोई शेयर बाय या सेल करते हैं, तो उसमें देखते हैं भाई कंपनी ग्रोथ क्या है, कौन सा सेक्टर चलेगा। और ये सेक्टर तो क्लियर है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर है कि भाई ये हम टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, टेक्निकल सेक्टर के अंदर है, तो कंपनी ग्रो अच्छी है। तो कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, ये पॉइंट है कंपनी का। कंपनी वर्किंग कर रही है तो कर्जा भी कम कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है कंपनी की, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर देखिए ये, यानी दिसंबर में 0. और इसमें देखिए 8. यानी क्वार्टरली भी अच्छे ग्रो कर रही है अपने आप को। मन लॉस आया था इसको 5 करोड़ का, ठीक है। इस क्वार्टर भी लॉस आया इसको, मगर YoY प्रॉफिट में कंपनी। क्वार्टरली इसका रिजल्ट माइनस में आया था, यानी क्वार्टरली 5.22 लाख का करोड़ का इसका लॉस हुआ है, ठीक है। ईयर बाई ईयर देख लेते हैं हम, तो ये देखिए 9% का जंप मारा इसने, ठीक है। टैक्स भी इस पर अच्छा है, यानी कि इसका देखिए ये नेट प्रॉफिट देखिए इधर देखिए कितना, 2020 के अंदर 365 करोड़ का लॉस था। अब देखिए इसने अपने लॉस को कम किया है, ये देखिए 25 करोड़ का लॉस, यानी लॉस भी कम कर रही है। EPS भी इसका देखिए 22 EPS देखिए 1.6, यानी धीरे धीरे कंपनी कर्जा मुक्त हो जाएगी। कंपनी कर्जा मुक्त होते संगे अप ट्रेंड की तरफ भागेगी कंपनी। तो ये तो क्लियर है भाई, ठीक है। तो कंपनी का ओवरव्यू क्लियर हो रहा है ना आपको, कि कंपनी के अंदर देखिए ये डे बाई डे अपना, ये देखिए अपना कर्जा कम कर रही है। यहाँ तक तो प्रॉफिट में थी, उसके बाद लॉस में आई, कर्जे में आई, कर्जे से अब धीरे धीरे कर्जे से कम हो रहा है। तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है कि कंपनी ने एक ही क्वार्टर के अंदर अपना इतना कर्जा अपना कम कर लिया है, ठीक है। इसकी लाइबिलिटीज़ भी कम है इसके ऊपर, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये धीरे धीरे अपनी लाइबिलिटीज़ कम कर रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज़ थी 1000, यहाँ पे 597 करी, 513 करी, यानी लाइबिलिटीज़ अपनी कम कर रही है, यानी कंपनी अच्छा कैश वाला सही मेंटेन करके चल रही है, यानी कि ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं टिकट टेप की साइड पर जाता हूँ।
ये देखिए अपना ओवरव्यू देख लेते अपन। तो पीई रेट अभी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में कंपनी पीई रेट माइनस में चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से चार्ट को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं अपने। ये देखिए इतना लॉस था, मैंने दिखाया बताया था ना अभी स्कैनर के साइड पर 25 करोड़ का लॉस आया था ईयर वाइज। तो काफ़ी अच्छा कंपनी यानी अपने कर्जा कम कर रही है। और ये देखिए इसने मैंने बताया था 5 करोड़ का लॉस आया इसको, ठीक है। तो क्वार्टर वाइज का लॉस भी आया, बट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी की डिमांड उसके ऑप्टिकल की डिमांड बढ़ेगी डे बाई डे, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं बढ़ेगी, ऑप्टिकल फाइबर्स की डिमांड बढ़ेगी। और कंपनी मैन्युफैक्चरर है इंडिया टू लोकल, जो गवर्नमेंट की स्कीम है लोकल टू वोकल, उस पर वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छा है। कंपनी को डेफिनेटली हमें बाय करना चाहिए, पेशेंस का होल्ड करना चाहिए। और भी दिखा देता हूँ और किस चीज़ पर हम जाके देखते हैं। हम मनी कंट्रोल की साइड पर आ गए, तो मनी कंट्रोल की साइड पर देखिए ये हमारे को सबको ही हमें देखिए, ये देखिए एवरेज मूविंग भी बोल रहा है, टेक्निकल भी, यानी सबको हमें बोला बाय करने के लिए। तो मनी कंट्रोल के अंदर भी हमें अच्छे व्यूज मिलने देखने को, कंपनी अच्छी है, यानी 100% एनालाइजर हमें बोल रहे हैं बाय करने के लिए, ठीक है। अब इसका चार्ट पे देख लेता हूँ, तो मैं इसका ये वीकली चार्ट डेली चार्ट पे देखता हूँ, डेली चार्ट पे क्या इसका कुछ बन रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये करेक्शन होकर 7 रुपये के बाद से ये करेक्शन होने के बाद ये अप ट्रेंड की तरफ था, यानी अपर साइड मार रहा था। तो चार्ट इसका अच्छे खासे नहीं बना है, बट हम इसका वीकली और मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली वीकली चार्ट पे कुछ है कि नहीं। तो इसका वीकली चार्ट ओपन हो रहा, तो देखिए वीकली चार्ट पे देखिए अप ट्रेंड की तरफ है, इस टाइम पे ये डाउनफॉल नहीं आया वीकली चार्ट पे, ये अप ट्रेंड के साथ वॉल्यूम के साथ अच्छा ट्रेड हो रहा है। कभी भी इसमें अपर सर्किट लग सकता है, कभी भी इसमें बाइंग आप फिर से आ सकती है, यानी बाइंग हो रही है, लोग बाय कर रहे हैं इसको। और इसका RSI MACD भी अप ट्रेंड की तरफ। अब मंथली चार्ट देख लेता हम, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाय करने की सोच रहे हैं। इसमें ये पैनी शेयर है, इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पे ये देखिए बॉटम तैयार हो रहा है ये मंथली पे, ठीक है। तो ये देखिए अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है, यानी कि पिछले 1, 2, 3, 4 मंथ से अप ट्रेंड की तरफ है, यानी और भी अप ट्रेंड आएंगे इसके अंदर। तो डेफिनेटली कंपनी कर्जा मुक्त करे अपने आपको, जैसे जैसे कर्जा मरता है क्वार्टरली इसके रिजल्ट अच्छे बनते जा रहे हैं। तो आई होप इसमें बाय करना चाहिए, और ये शेयर आपको मल्टीबैगर साबित होगा आने वाले टाइम पे। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ इसमें बने रहिए, और अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। किस लेवल पे आपको बाय करना मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये और भी अब डाउनफॉल जाता है, यानी 10 रुपये के आसपास जाता है, तो इसमें डेफिनेटली बाय करिए, उसमें अप ट्रेंड ही है, ठीक है। इसमें मेरे को 6 महीने के अंदर मुझे ये शेयर दिख रहा है 24 रुपये के आसपास, यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है, जिस तरह से इसका मंथली चार्ट इसको हमें इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए, पेशेंस बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।